आज हम लोग सीखेंगे झाड़ू की तीलियों की सहायता से दो अंकों का गुणा, ना एक अंक का गुणा हम कर चुके थे पहले, पता है आपको, आज दो अंक का करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है 45 और इसमें कोई कह दे कि आप इसमें 13 से गुणा करें, कितना से, 13 से, और 13 से अगर हमको गुणा करने के लिए कह दे झाड़ू की तीलियों से कैसे करेंगे, तो चूंकि 45 में करना है तो 45 में पहला नंबर क्या है, 4, तो चलिए 4 लाइन आप खींचिए, 1 2 3 4 खींच लिया। इसके बाद 5 है तो थोड़ा सा जगह देंगे 5 लाइन, 1 2 3 4 5 भी खींच लिया। अब 13 का गुणा करना है तो 13 में पहला क्या है, 1, तो ऐसे आप तिरछी लाइन 135 अंश में बताए थे ऐसे खींचते हैं, तो पहले 1 है तो 1 लाइन, अगर 2 रहता तो 2 लाइन पास पास खींचते, अब 3 है तो थोड़ा सा स्पेस देके 3 लाइन पास पास खींचेंगे, 1 2 3 हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब तो आंसर हो गया आपका। आइए अब गिनने का काम करेंगे, पहले इसको गिनेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का क्या होता है, 15 का 5 होता है ना, हासिल। अब जब गिनने जाएंगे तो इसको गिनेंगे, इसके साथ इसको गिनेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं, ऐसे इसको गिनेंगे, तो गिनना यहां से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक हासिल 18 का हासिल, अब बच गया 1 2 3 4 और एक हासिल 5, तो कितना हो गया, 585, मतलब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 585, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 500, बोलिए समझ में आया, नोट करिए, दो अंक का गुणा कर रहे थे ना, अब इधर मान लीजिए 3 अंक ले लेते, इधर 2 ही अंक रह लेते हैं ना, तो उसे भी 2 अंक का ही गुणा कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, इसमें मान लीजिए हमको गुणा करना हो 23, कितना सर, 23, ठीक है, चलते हैं गुणा करने के लिए, तो पहले कितना है 2, तो 2 लाइन खींच ले, बोलिए 2 लाइन हो गया, फिर 3 है तो थोड़ा सा स्पेस देके 3 लाइन हो जाए, कितना लाइन, 3 लाइन खींच लेते, इसको भी बड़ा कर लेते, जितना बड़ा करेंगे उतना ही अच्छा होगा, झाड़ू की तीली लंबी लंबी होती है ना, चलिए अब कितना है, 4 लाइन खींच लीजिए, थोड़ा सा स्पेस देके, 1 2 3 4 4 अब कितना से पूरा करना है, पहले 23 से, तो 23 में 2 है तो पहले 2 लाइन खींचते हैं, 1 2 2, अब 3 है तो 3 लाइन खींच लें, 1 2 3, बोलिए क्लियर है, आइए यहाँ से पहला गिनना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 हासिल, चलिए अब इसको जोड़ेंगे ना, बोलिए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक हासिल 18 का हासिल, अब देखिए कौन आ गया, इसको जोड़ेंगे, बोलिए, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक हासिल 13 का क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना चाहेंगे यहाँ लिख दीजिए, वरना नीचे लिखना चाहे नीचे लिख दीजिए, 3 हासिल, 1 2 3 4 एक हासिल, तो क्या कर सकते हैं, 5382 कितना आ गया, 5382, बोलिए आया कि नहीं आया, आया, समझ में आया, यस सर, नोट करिए इसको,